वे लोग जो बिना आराम किए अब निरंतर दिनचर्या में अपने जीवन के वजन से थक चुके हैं। आपकी पीठ का स्वास्थ्य खतरे में है। पीठ की बीमारी केवल पीठ की समस्याओं से ही खत्म नहीं होती है, क्योंकि बैक कंट्रोल टावर है जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। पीठ दर्द हमेशा पीठ दर्द ही नहीं होता, क्योंकि पीठ पर रीढ़ की हड्डी की नसें शरीर के सभी अंगों को जुड़ी रखती है। मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, उसके बाद आपको दिल का दौरा पड़ने की जांच करनी चाहिए। आपको ये जांचना होगा कि ऐसे संकेत आंतरिक अंगों से आ सकते हैं। क्या आपने अपनी पीठ द्वारा भेजी गई चेतावनियों को अनदेखा नहीं किया? अपनी पीठ की चेतावनी को अनदेखा करना मूल स्थिति में लाने में सक्षम नहीं हो सकता है। आपके जीवन का समर्थन करने वाला महत्वपूर्ण स्तंभ आपकी पीठ है। लोग अपने रीढ़ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित क्यों करते हैं? ऐसे लोगों से मिलें जो अपनी पुरानी परेशानियों से बचे हुए हैं। पूरे शरीर को बहुत अधिक सकारात्मक रूप से रिचार्ज महसूस करती हूं। अपनी पीठ को मजबूत करें और आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। बिना कारण के पीठ दर्द और तनाव के बीच में क्या संबंध है? यह एक समस्या है जो बहुत पुरानी, लंबे समय तक चलने वाली तनाव के संपर्क में, विशेष रूप से काम से संबंधित तनाव के कारण होती है। कभी कभी कंप्यूटर के साथ गलत आसन में बैठने की समस्याएं होती हैं। जब लोग घबराते हैं और चिंतित होते हैं तो वे अनजाने में थोड़ा कठोर आसन में बैठते हैं। जब ऐसा होता है तब मांसपेशियों में थोड़ा तनाव होता है, इसलिए पीठ की हड्डी में खिंचाव लगभग तब होता है जब वह मांसपेशी थोड़ी सिकुड़ जाती है। हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं जो विशेष रूप से तनाव के प्रति संवेदनशील होती हैं। पीठ की मांसपेशियों, कंधों और रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों को तनाव की मांसपेशियां कहा जाता है। वास्तव में शोध से पता चला है कि तनाव जितना अधिक होता है मांसपेशियों में, उतना ही अधिक खिंचाव होता है, जिसे पीठ दर्द होता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पीठ हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका क्या मतलब है? ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा, स्पाइन कहाँ है? मैंने इस तरह बताया, ये रीढ़ की हड्डी है। जब आप अपना सिर और अंग निकालते हैं, जब मस्तिष्क आराम पर होता है तो रीढ़ दिमाग के रूप में कार्य करता है। तो रीढ़ कितनी महत्वपूर्ण है, ये मस्तिष्क की भूमिका के रूप में कार्य करता है। मस्तिष्क आउटलेट है, पावर स्टिक पीठ है और फिर ये तार तंत्रिका कॉर्ड, फिर घरेलू उपकरण हमारे अंग हैं, फिर आउटलेट बंद होने पर रेफ्रिजरेटर चालू नहीं होगा और पावर स्ट्रिप बंद होने पर उपकरण चालू नहीं होगा। तो ये वास्तव में एक बेकार बीमारी है और केवल बीमार लोग ही इसका एहसास करते हैं। पीठ पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है? यदि आप सोचते हैं कि अधिकांश मस्तिष्क और अंग कहाँ से जुड़ते हैं, वे रीढ़ में जुड़ते हैं। पीठ में एक तंत्रिका जुड़ी हुई है, तो अगर हम कभी सोचते हैं कि क्या ये गलत संदेश दे सकता है, मैं अपनी पीठ को मस्तिष्क के रूप में सोचना चाहता हूँ, जिसे हम अब देख सकते हैं। एक मस्तिष्क लंबे समय तक देख रहा है, आखिरकार क्योंकि पीठ में रीढ़ की हड्डी की नसें सभी अंगों से जुड़ी होती है। यह एक लंबा मस्तिष्क है जो आपकी पीठ के माध्यम से आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। यह रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका को सभी जीवन गतिविधियों से नियंत्रित करती है। यही कारण है कि इस बात पर जोर दिया जाता है कि हमें रीढ़ के महत्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मुझे भूख लगी है, पेट हिलता है, लेकिन बीच में रीढ़ की हड्डी के माध्यम से सभी नसों को प्रेषित किया जाता है, क्योंकि मस्तिष्क से अंगों की ओर दौड़ते हुए तुरंत संदेश पहुंचना असंभव है। लेकिन अगर आपके सामने की तरफ की नसें होती तो ये घायल हो सकती थी, और क्योंकि ये बहुत बोझिल भी है,
है इसलिए ये पीछे है। तो अंग्रेजी में भी ये रीढ़ है और हम इसे रीढ़ कहते हैं। शिन ह्यंग जंग बुडो जो डोंग गुई बोगम के भाग एक पर दिखाई देता है। हियो जुन पीठ के महत्व का वर्णन करते हैं। पीठ में एक ग्लूकोमा टेलबोन और एंटलर ट्यूब के टेलबोन में एक सुंदर ट्यूब होती है। पीछे के तीन द्वारों को पुराने लोगों ने एंडोस्पर्म के रूप में वर्णित किया है। एंडोस्पर्म टाई फंक्शनल के माध्यम से आंतरिक शरीर के मुख्य क्षेत्र के मुख्य सामग्री है। यदि ये हमारे पीठ और रीढ़ के माध्यम से ठीक से फैलता है तो हम सोचते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पूर्वी और पश्चिमी देशों के बावजूद मनुष्यों ने अपनी पीठ को प्रशिक्षित करने के लिए सदियों से विभिन्न अभ्यासों का विकास और अभ्यास किया है। डिस्क जॉब करते समय बैक का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है और इससे इंटरनल डिस्क में समस्या आती है। पीठ पर ध्यान देना और मांसपेशियों में खिंचाव का निर्माण करना बहुत अच्छा है। मैं मुख्य रूप से कार्यालय में बैठती थी और मेरी पीठ में दर्द था क्योंकि मैं हमेशा मॉनिटर को देखती रहती थी। क्या आपको लगता है कि स्पाइन स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है? हाँ, बेशक है, क्योंकि अगर आपको पीठ दर्द नहीं है तो आप दैनिक जीवन में या अपने अवकाश जीवन में स्वस्थ हो सकते हैं। उन लोगों के लिए एक क्लिनिक सामने आया है जिन्हें सीधे व्यायाम करने में कठिनाई होती है। कुछ लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, पीठ ठीक से काम करती है। कुछ लोग तथाकथित बैक स्कूल में जाते हैं और बहुत से लोग चिकित्सा जैसे भौतिक उपचार के लिए जाते हैं। अपनी पीठ को गर्म रखना भी रहस्यों में से एक है। सभी मांसपेशियां रीढ़ से आती हैं। यह वास्तव में अच्छा और गर्म है। मुझे बहुत सुकून मिलता है, पूरा शरीर बहुत अधिक आराम महसूस करता है। रियो ओलंपिक के एथलेटिक्स सम्राट यूसेन बोल्ट, गोल्फ सम्राट टाइगर वुड्स, एमबीए बास्केटबॉल सम्राट माइकल जॉर्डन और दुनिया के शीर्ष खेल सितारों में क्या सामान्य है? में डॉक्टर पॉलमर एक अमेरिकी एरोहाइड्रोथेरेपी चिकित्सक थे। उनके लिए एक अद्भुत अनुभव था जो सिर्फ एक गर्दन के निर्धारण के साथ एक बाहरी व्यक्ति की सुनवाई को बहाल करता था। बाद में रीढ़ की हड्डी और बीमारियों के बीच संबंधों का अनुसंधान और व्यवस्थितीकरण कायरोप्रैक्टिक की शुरुआत बन गया। हम शरीर की संरचना मुख्य रूप से रीढ़ और शरीर और की संरचना रोगी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं के विषय में अध्ययन करते हैं। कायरोप्रैक्टिक संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मान्यता प्राप्त व्यवसाय है। पीठ के ध्यान रखने के साथ साथ कायरोप्रैक्टिक उपचार अक्सर सकारात्मक दुष्प्रभावों की ओर से हो जाता है। कभी कभी मरीज डॉक्टर के पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें लक्षणों में सुधार हुआ है। हमारे पास बहुत सारी महिला मरीज हैं जिन्हें पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है और वे अस्पताल आती हैं। जब उन्हें इलाज मिलता है तो वो कहती है कि उनकी मानसिक चक्र बदल गया है और मानसिक धर्म में दर्द कम हो गया है। ये पहलू सिर्फ स्वस्थ वर्धक रीढ़ होने की घटना है। क्रिस्टीना का सुबह जल्दी उठना एक हार्ट वैद्य द्वारा संचालित क्लिनिक है। क्रिस्टीना का इलाज यहाँ पीठ दर्द के लिए किया जा रहा है।
हाय क्रिस्टीना, आज तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, काफी बेहतर। क्रिस्टीना पीठ के निचले हिस्से में दर्द से पीड़ित है। ज्यादातर पीठ के निचले हिस्से में अकड़न होती है और उसे पाचन संबंधी समस्या भी है। ये पेल्विक एंटन सिंड्रोम है। ये नसों में अकड़न है। ये असहनीय दर्द का कारण बनता है। जब दर्द गंभीर होता है तो वह सप्ताह में 3 बार होता है। पीठ का ध्यान करने के बाद दर्द अचानक कम हो गया। मूल रूप से यह स्पाइन फ्लेक्स समान रूप से बनाने के लिए है। यहाँ आने वाले अधिकांश मरीज क्रिस्टीना की तरह लंबे समय से पीठ दर्द से पीड़ित हैं। क्रिस्टीना भी इस बात पर जोर देती है कि हमें पीठ दर्द की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि आप चलने या गतिविधियों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आप रीढ़ की परवाह नहीं करते हैं। लगातार कमर दर्द होने की स्थिति में मुझे पता है कि पीठ दर्द दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करता है। हालांकि ऐसा दर्द एक बूढ़ा शरीर सहन नहीं कर सकता। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इसका प्रबंधन करना है। कहने का मतलब है कि प्रबंधन जो भी हो, जैसा भी हो। चीन 1000 वर्षों के इतिहास के साथ चीनी चिकित्सा का एक देश है। चीनी एक व्यक्ति की बीमारी को 6 प्रकारों से विभाजित करता है। ये सूर्य की बीमारी, शोर की बीमारी, पथरी की बीमारी, फुरिस्ट और चंद्र रोगों के 6 बड़े वर्गीकरण है। 5 विसारा और 6 अंतड़ियों की रीढ़ में ड्रेनेज रक्त सबसे महत्वपूर्ण रक्त स्तर है। ड्रेनेज बल्ब का अच्छा उपचार या एंटी एजिंग प्रभाव हो सकता है। रक्त जो जल निकासी के रूप में भूमिका निभाता है, रीढ़ की दोनों तरफ एकुपंक्चर बिंदुओं को संदर्भित करता है। गुर्दे और फेफड़ों जैसी विशिष्ट अंगों से संबंधित निदान और उपचार के लिए कुल 12 जोड़े रक्त बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। चुसाओ यंग का वर्तमान में रक्त के लिए इलाज किया जा रहा है, जो जल निकासी के रूप में भूमिका निभाता है। गंभीर मधुमेह के साथ उनकी शारीरिक स्थिति गंभीर होने के बाद ही वे अस्पताल आए। लगातार थकान और नींद न आने की बीमारी से पीड़ित होकर उसने एक दोस्त की सिफारिश पर चिकित्सा उपचार लेने का फैसला किया। डॉक्टर ने रक्त की सिफारिश की, जो जल निकासी उपचार के रूप में भूमिका निभाता है। क्या रक्त के साथ उपचार में, जो पीठ पर जल निकासी के रूप में भूमिका निभाता है, वास्तव में मधुमेह रोगी के लिए प्रभावी है? मुझे इस उपचार के बाद बहुत मदद मिली। इलाज से पहले मेरा रक्त शुगर 180 mg/dL से ऊपर था। अब एक खाली पेट पर सबसे अच्छा आंकड़ा 93.6 mg/dL था। आंकड़ा 93.6 mg/dL पहले से ही मानक में है। चीन सबसे अधिक मधुमेह आबादी वाला देश है। चीन के कमजोर देशों के कुछ क्षेत्रों में मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों के इलाज में मदद करने के लिए पृष्ठीय जलन को मान्यता दी गई है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थकान सिंड्रोम, गर्दन कंधे का सिंड्रोम, गर्दन कमर सिंड्रोम और कब्ज, खराब नींद आदि, ये 12 पुरानी बीमारियों के इलाज में मदद करता है। ये एक निश्चित स्तर और समय की एक निश्चित मात्रा के लिए उत्तेजित करता है। इसे 3 महीने तक देखा गया। इन रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और उनके रोग प्रतिरोध में सुधार करना। संबंधित विभाग को सूचित किया गया है कि ये सहायक है। चीनी चिकित्सा में पीठ का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में किया जाता है। जर्मन मेडिकल स्कूलों में मुख्य विषयों में से एक के रूप में पढ़ाए जाने वाले हेड जोन को पढ़ाया जाता है। हेनरी हेड, ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट, ये सिर्फ एक साधारण अवलोकन है।
यह आंतरिक अंग रोग था। ऐसा दर्द त्वचा के कुछ हिस्सों में महसूस किया जाता है, क्योंकि अगर हम सुस्त सुई के साथ त्वचा से गुजरते हैं, आउच, दर्द होता है। डॉक्टर हेड ने अपनी थीसिस में तर्क दिया है कि शरीर की त्वचा पर हर अंग का अपना क्षेत्र होता है। यही है, जब एक विशेष अंग बीमार हो जाता है तो जुड़े हुए क्षेत्र की त्वचा भी दर्द होता है। हेड जोन को इस अवधारणा का उपयोग आज के निदान के आधार के रूप में किया जाता है। जान की कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, और अगर आप इन मैक्सिमा के स्थान को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो चीनी चिकित्सा में संक्रमण के रूप में जाने जाते हैं। Mit den diagnostischen Punkten, die auch in der chinesischen Medizin bekannt sind, nämlich mit den Schuhpunkten, also und auch vorne auch mit einigen sogenannten Alarmpunkten, also Mu-Punkten übereinstimmen. वास्तव में चीन में प्राचीन अवलोकन में एकुपंक्चर और हेड जोन की तस्वीर बहुत समान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दबाव बिंदु रीड के साथ वितरित किए जाते हैं, और हम बहुत पुरानी एक्यूपंक्चर की तस्वीर में एक समान संरचना देख सकते हैं जो 1000 साल से अधिक पुरानी है। कोरिया में एक्यूपंक्चर का सक्रिय अध्ययन किया जा रहा है। यह एक विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में रक्त के बीच प्रत्यक्ष संबंध की पुष्टि के लिए पशु प्रयोगों पर काम चल रहा है, जो जल निकासी, पृष्ठीय रक्त और अंगों के रूप में भूमिका निभाता है। ये फेफड़े के साथ दिल से जुड़ा है। अगर इसे यहाँ रखा गया है और फिर से हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये अंग को अवशोषित कर रहा है। आंतों में पृष्ठीय रक्त स्थान में इंजेक्शन लगाया गया था। इसका चिकित्सीय अर्थ क्या है? परंपरागत रूप से ऐसा कोई मार्ग नहीं है, इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप अपनी पीठ पर कोई दवा डालते हैं तो ये आपके अंगों में गहराई से प्रवेश नहीं करता है, लेकिन ये दवा का अंदर जाना ही एक नया उत्तेजित मार्ग है। इसलिए आपकी पीठ से आपके अंगों तक एक रास्ता है, नया रास्ता। मानव शरीर के नए अंगों पर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की थीसिस, जो हाल ही में एक गर्म विषय बन गया है, वही है। टीम ने पाया कि त्वचा के नीचे पाया जाने वाला एक मजबूत लचीला प्रोटीन जालिका आंतरिक अंगों की रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों से जुड़ा था। इन रेटिना के उत्तकों के रास्ते होने की उम्मीद है, जिसके माध्यम से कैंसर की कोशिकाएं फैलती हैं और एक्यूपंक्चर की प्रभावकारिता की कुंजी होती हैं। पृष्ठीय रक्त, जो अंगों से जुड़े जल निकासी के रूप में भूमिका निभाते हैं, वर्तमान में विभिन्न रोगों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। 5 विसारा और 6 तरह के आंतों की बीमारी होने पर रक्त की निकासी को उत्तेजित करके 5 विसारा के असंतुलन को सामान्य करने के लिए थेरेपी का इस्तेमाल किया गया, और 6 तरह के आंतों रोग को भी ठीक करेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जीवन दांव पर है, हालांकि इस जीवन का समर्थन करने वाला महत्वपूर्ण स्तंभ पीठ है। हम ऐसा कह सकते हैं।